हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पेज नंबर 10 पर कलरिंग करना सिखाऊंगी। इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, ये है गुआवा और बहुत ही हेल्दी फ्रूट्स होता है ना। तो अब इसमें कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैंने बता ही रखा है कि कैसे कलर करना है, यानी जो आउटलाइन दे रखी है उस आउटलाइन के पास पास में सबसे पहले हमें कलर करना है। इस तरह से आउटलाइन के पास पास में कलर करने का क्या मतलब है, उससे क्या होता है कि कलर लाइन से बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से हम आउटलाइन के पास पास में ऐसे कलर कर लेंगे। इस तरह से हम आउटलाइन के पास पास में इस तरह से कलर कर लेंगे, अब लाइन से बाहर निकलने का डर नहीं रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से, और कलर को आगे ले जाते हुए धीरे धीरे कलर करते जाएंगे हम। इस तरह से पूरे गुआवा में हमें कलर करना है। इस तरह से हम पूरे गुआवा में कलरिंग कर लेंगे, और इसी तरह से आपको भी सीखना है कलर कैसे करते हैं। लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए कलर, ओके। आपको भी ऐसे ही कलर करना है। बाय, गुड डे।